पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है और आढ़तियों को भी डराया धमकाया जा रहा है। इंदर दे तीन काले कानूनों के खिलाफ चल रहा होया किसान मजदूर आढ़तियों का संघर्ष, ये साडे सारिया का संघर्ष है। इना काले कानूनों नू रद्द करान वास्ते देश ही नहीं विदेशा दे सारे लोग सारे किसान कट्ठे होके आज अपने अन्नदाता दा साथ दे रहे ने, लेकिन केंद्र दी सरकार दे अड़ियल सुभाव नू देखदे होए जिस तरह उन्होंने किसानां दे उत्ते तशद्दुद कीती, उन्हां नू तरह तरह दे अड अड ना दित्ते गए, कदे वक्खवादी कदे आतंकवादी कदे खालिस्तानी, इस मुहिम नू इस संघर्ष नू बदनाम करन वास्ते जिथे हरेक तरह दा हथकंडा अपनाया गया, उत्थे एक बहुत ही दुख दी गल आ कि किवें अज साडे आड़तियां भरावां दे उत्ते भी केंद्र दी एजेंसियां इनकम टैक्स दे डिपार्टमेंट नू लैके अज उन्हां दे उत्ते रेड करा के उन्हां दे घरां च उन्हां दे दफ्तरां च रेड करा के डरान धमकाउण दा काम कीता जा रिहा है। एक डेमोक्रेसी च इस तों होर निंदरयोग कोई चीज़ हो नहीं सकदी, जिथे हुकूमत एक पासे अपने लोगों नू गरीब किसानों नू अन्नदाता नू कुचलन उन्हां दी संघर्ष नू कुचलन दी कोशिश कर रहे ने ते बदनाम कर रहे ते दूजे पासे अपने एहो जी एजेंसियां दा सहारा लैके भोले भाले लोगों नू उन्हां दे उत्ते रेड करा के उन्हां डरान धमकाउण दी कोशिश कर रहे ने। मैं आही दसना चाहांगी इस हुकूमत नू कि इह तां ओह कौम ने जिन्हां ने अहमद शाह अब्दाली वर्गे वड्डे वड्डियां दा मूंह मोड़ दित्ता सी। एक कौम ना किसी दे उत्ते जुल्म करदी है ते ना ही जुल्म किसी दा सहंदी है, बल्कि जिन्ने भी तुसी एहो जे हथखंडे अपनाओगे ए होर तकड़े होके अपनी हका दी लड़ाई वास्ते ते अपनी राखी वास्ते इनकम टैक्स